हाँ जी बताइए। सर, मुझे एक क्वेरी है कि हमारा जो पीएचडी का टॉपिक होता है जिस पर हम रिसर्च करते हैं, वो टॉपिक और जो मतलब रिसर्च पेपर हम जो पब्लिश करवाना चाहते हैं उसका टॉपिक सेम होना चाहिए, मतलब रिसर्च सब्जेक्ट सेम होना टॉपिक चाहिए या फिर रिसर्च अलग सब्जेक्ट अलग हो आपका तो चलेगा? मैं फॉर एग्जांपल अगर मेरा बिजनेस मैनेजमेंट का टॉपिक हो अगर और मैं फाइनेंशियल एंड मैनेजमेंट अकाउंट या फिर अकाउंटिंग के ऊपर रिसर्च पेपर करूँ तो वो चलेगा कर ऐसा? सकते हैं ना, बिल्कुल कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते आप, है ना। क्योंकि आपका मैक्रो तो जो है वो कॉमर्स है ना, कॉमर्स बैकग्राउंड है आपको, यस यस है कॉमर्स ना। का। तो कॉमर्स में आप यू कैन परस्यू योर रिसर्च इन अकाउंटिंग, टैक्सेशन, बिजनेस मैनेजमेंट, HRM, इकोनॉमिक्स, फाइनेंस, है ना, आप मार्केटिंग, आप इन सब में कर सकती हैं, ठीक है। बट यू शुड ऑलवेज गिव प्रायोरिटी टू योर सब्जेक्ट। पहले आपको अपने सब्जेक्ट को प्रायोरिटी देनी चाहिए, है ना, क्योंकि अगर उनमें सफिशियंट नंबर ऑफ रिसर्च हो गई आपकी तो फिर आप जनरल टॉपिक्स पे जाइए, है ना, जैसे कि टीचिंग के ऊपर आप चले जाइए। पर आपको इनिशियल स्टेज पे, इनिशियल स्टेज ऑफ योर रिसर्च, यू शुड फोकस ऑन योर सब्जेक्ट, रिसर्च टॉपिक्स दैट आर रिलेटेड टू योर सब्जेक्ट, राइट। इसके अलावा और कोई क्वेरी है तो आप उससे पूछ लीजिए, है ना। हेलो सर। हाँ जी, हेलो हेलो हेलो, हाँ जी, सर। सर मेरी एक क्वेरी। हाँ जी बोलिए। सर मैंने रिसेंटली मास्टर डिग्री किया है एजुकेशन में 2020 मैंने में। आपको ब्रेक हो गई तो आवाज, सर मैंने क्या किया है, सर मैंने रिसेंटली मास्टर डिग्री कंप्लीट किया है एजुकेशन में 2020 ओके में। ओके तो ओके ओके सर अभी मैं नेट के लिए प्रिपरेशन कर रही हूँ। तो सर हम ना कभी अगर पीएचडी के लिए एंट्रेंस देने जाते हैं तो वहाँ पे हमें प्रपोजल ढूंढते हैं। तो सर अभी हम अगर प्रपोजल लिखे रिसर्च लिखे तो सर हमें गाइड करने वाला कोई नहीं होता है। तो सर हम इस सिचुएशन में कैसे क्या करें मतलब? देखिए, रिसर्च प्रपोजल की गाइडेंस के लिए इसके बाद जो नेक्स्ट हमारा कोर्स आने वाला है ना, दैट इज रिलेटेड टू रिसर्च प्रपोजल। जैसे कि मैंने आप लोग को एक रिसर्च पेपर का जी बेस रख करके पूरा का पूरा रिसर्च पेपर राइटिंग समझाया, क्योंकि एक कनेक्टिविटी रही ना, है ना, इंट्रोडक्शन, देन ऑब्जेक्टिव्स, देन हाँ हाइपोथेसिस, देन यस कलेक्शन, देन एनालिसिस, एक कनेक्टिविटी रही, तो उसमें समझ में आया आप लोग, इज इट क्लियर। तो ऐसे ही है ना, क्योंकि ये क्यों मैं हाँ लेके आया, बिकॉज अभी आपके ऊपर कोई सुपरवाइजर नहीं है, आप पीएचडी, बहुत आप लोग में से बहुत सारे लोग पीएचडी नहीं कर रहे हैं, तो हु इज देयर टू गाइड यू, ये बहुत बड़ी दिक्कत है। अब गाइडेंस नहीं मिलेगी तो चीजें गलत यस हो सकती हैं, है हाँ ना। तो आप लोगों को गाइड करने के लिए मैं जो जी नेक्स्ट कोर्स लाने वाला हूँ, दैट इज रिलेटेड टू रिसर्च प्रपोजल राइटिंग, कि कैसे आपको इफेक्टिव रिसर्च प्रपोजल राइटिंग करनी है, ओके ठीक है। तो आई एम देयर टू गाइड यू, और हाँ बहुत ही जल्द उसको लॉन्च कर दूंगा और आप उसको ज्वाइन कर सकती हैं। और किस तरीके से जो स्टैंडर्ड यूनिवर्सिटीज है, DU है, BHU है, जामिया है, इनमें किस तरीके का जो प्रपोजल है, दे आर एक्सेप्टिंग, व्हाट आर दी की पॉइंट्स यू शुड इनकॉर्पोरेट इन योर रिसर्च प्रपोजल राइटिंग, दैट विल लीड्स टू योर सिलेक्शन, ठीक है। तो ये सब बताऊंगा मैं आप लोगों को, है ना। थोड़ा टाइम लगेगा उसमें, क्योंकि अभी हम लोगों ने उसकी मार्केटिंग नहीं की है ना, बच्चों को पता है, तो ज्यादा से ज्यादा लोगों का भला हो, ज्यादा से ज्यादा लोगों को पता चले, इसलिए बहुत ही जल्द वो कोर्स लॉन्च हो जाएगा। बने रहिए आप सक्सेस क्लासेस यूट्यूब चैनल के साथ, वहां पता चलेगा, ठीक है। मीनवाइल जी आपको जी आपको जी क्या करना है, यू हैव ऐसे टू, हाँ जी होता हाँ जी बोलिए। हम सर ऐसे होता है ना कि हम अगर घर पे लिखे रिसर्च प्रपोजल ऐसा तो हमें अब गलत ट्रैक पे जा रहा है या सही हो रहा है वो ये पता तो नहीं समझ चलेगा नहीं ना। आता है ना सर। तो ये वो कैसे फाइंड आउट? या यही हाँ रहता है, इसके लिए देयर शुड बी समवन, आप अपने तरफ से तो बेस्ट दे रहे हो, तभी तो एग्जाम्स क्यों होते हैं, क्योंकि आप अपने हिसाब से तो बेस्ट हो, है ना। पर क्या वैलिड हो कि नहीं, ये जानने के लिए एग्जाम्स किए जाते हैं। इसीलिए हाँ ये जी वर्कशॉप, ये जो वर्कशॉप लाई जा रही है, इसका ऑब्जेक्टिव ही यही है, इससे आप सभी लोगों को हेल्प मिले, है ना। क्योंकि आप लोगों के पास, जब आप पीएचडी में एनरोल हो जाओगे तो सुपरवाइजर्स आपके पास होंगे, कुछ सुपरवाइजर्स मतलब मैक्सिमम सुपरवाइजर्स कोऑपरेटिंग होते हैं, कुछ कोऑपरेटिव नहीं भी होते उतने ज्यादा, तो जिनकी कोऑपरेटिव नहीं है, अब उनको पीएचडी तो कंप्लीट करनी है ना अपनी, उसके लिए सक्सेस क्लासेस इज देयर फॉर यू टू हेल्प यू अबाउट, अच्छा राइट। यही ऑब्जेक्टिव भी है हमारे यूट्यूब चैनल का, क्योंकि ओके यहाँ पे आपको हेल्प उतनी नहीं मिल पाती, तो हम आपको हेल्प करते ओके हैं, हाँ सर जी, ठीक है। बाकी मीन वाइल मैं आपको कुछ कह रहा था कि जल्दी आप आइएगा वो वाला लिटरेचर कोर्स बहुत ही। लिटरेचर लिटरेचर पढ़िए आप, तब तक लिटरेचर रिव्यू तो आपको करना पड़ेगा ना, चाहे प्रपोजल बना रहे हो चाहे पेपर बना रहे हो, है कि नहीं। तो तब तक आप यू नो हाँ स्टार्ट
getting to the literature and identify your research topic, because this is same in both. This is same in research paper writing also and research proposal writing also. Okay, so identify your topic and how to frame it in a proper and correct manner, that I will tell you in the workshop that is going to be held very soon, right? Okay, चलिए. इसके अलावा okay sir, thank you so much sir. हाँ जी हाँ जी. इसके अलावा और कोई doubt है? बहुत जो है participants कम join हुए, शायद उनको link का पता नहीं चला होगा. And this is a kind of, मुझे ऐसा लगा कि कल मुझे जाना था कहीं बहुत अर्जेंटली, तो मैंने आपका जो सेशन है वो इवनिंग में वाइंड अप किया. मुझे लगा कि इट्स माय रिस्पांसिबिलिटी टू क्लियर द डाउट्स ऑफ द लर्नर्स आल्सो, है ना, बिकॉज अभी तक हम लोगों ने वी हैव, वैसे तो बीच बीच में हम लोगों ने डाउट सॉल्व किए हैं काफी सारे, बट एक फुल फ्लेज्ड 40 मिनट्स का सेशन जो सेशन होना चाहिए, जिससे आपके जो भी डाउट्स हैं, इफ इट इज रिगार्डिंग टू कोर्स, दिस कोर्स, रिसर्च पेपर कोर्स, और योर जेन्युइन टॉपिक और डाउट, देन आई शुड क्लियर इन दिस सेशन, राइट? और कोई डाउट है आप पूछ सकते हैं रिगार्डिंग रिसर्च और रिगार्डिंग पीएचडी और रिगार्डिंग नेट जेआरएफ. और हाँ, एक चीज, आप में से कितने लोग, वैसे तो इतने बच्चे हैं नहीं, नेट जेआरएफ की तैयारी कौन कौन कर रहा है? एनीवन प्रिपेयरिंग फॉर नेट जेआरएफ? सर मैं, तो मैंने मैं आपको क्या कर रहा हूँ, हाँ मैं अपना क्वेश्चनेयर आपको सेंड कर रहा हूँ. हमारा क्वेश्चन, मेरा नहीं, हमारा क्वेश्चनेयर था ना, क्या टॉपिक था भूल गए क्या? अ स्टडी ऑन इमोशनल इंटेलिजेंस ऑफ यूजीसी नेट जेआरएफ एस्पिरेंट्स. तो आप उसे फिल कर दीजिए, आपसे ही शुरू करते हैं हम, श्री गणेश आपसे ही करते हैं. मैं ये कॉपी कर लिया है ना, मैंने लिंक कॉपी कर लिया है और मैं अभी जूम के चैट में आपको दे रहा हूँ, उसको फिल करिए और 30th को हो सकता है आपको मौका मिल जाए जीतने का, ठीक है? और इसको फिल करिएगा, एक सेकेंड, लिंक आ गई होगी आप लोगों को, है ना, तो इसको आप, ये हमारा जो क्वेश्चनर था ना, ये पूरा हो चुका है, आप इसको फिल कर दीजिए, ठीक है? इसके अलावा एनीथिंग एल्स, एनी अदर डाउट? और आपका टेलीग्राम चैनल का लिंक, अगर टेलीग्राम चैनल कैन वी, तो अच्छा होगा. लिंक अब मेरे को जाना पड़ेगा क्योंकि मैं लैपटॉप में हूँ और मोबाइल में टेलीग्राम इंस्टॉल है. तो मैं आपको बता रहा हूँ ना, रिसर्च एंड पीएचडी गाइड सक्सेस क्लासेस, आप जब सर्च करेंगे टेलीग्राम पे तो एस, जो हमारा ये लोगो भी बनाया ना मेरी शर्ट का एस, आप लोग को पता होगा, तो यूट्यूब चैनल का भी लोगो है एस, वो आपको दिख जाएगा, उसको ज्वाइन कर लीजिए आप. जो भी नोटिफिकेशंस आती है वर्कशॉप से रिलेटेड नोटिफिकेशन, दैट यू विल गेट इन दैट टेलीग्राम चैनल. और फेसबुक पे भी फॉलो कर लीजिए, अगर आप टेलीग्राम मिस हो जाते हैं तो फेसबुक में आपको अपडेट मिल जाती है फीड्स, राइट? ओके सर. ओके, यस, एनीथिंग एल्स? और अभी आपका फीडबैक सेशन भी होगा. हाँ जी बोलिए. हाय, गुड आफ्टरनून सर. सो दिस इज मनीषा. गुड आफ्टरनून मनीषा, सर एक्चुअली जस्ट वांट टू नो, फाइन सर, हाउ आर यू? आई एम फाइन. हाँ जी बताइए सर. मुझे ये पूछना था कि जैसे किसी फॉरेन, हम जैसे लिटरेचर रिव्यू करते हैं तो किसी फॉरेन ऑथर ने एक टॉपिक लिया है और उसके रिलेटिव जो स्टडी है वो इंडिया में नहीं हुई है, तो क्या हम सेम स्टडी इंडिया में कर सकते हैं, मतलब फर्दर पीएचडी उस टॉपिक से रिलेटेड कर सकते हैं उस टॉपिक के ऊपर? बिल्कुल, तो इज इट वर्थ डूइंग? पर आपको उस पे एक चीज फोकस करना पड़ेगा, दैट इज स्कोप. क्योंकि फॉरेन में जो कंट्री, सपोज हमने यूएस से लिया, यूएस इज अ डेवलप्ड कंट्री और हमारी डेवलपिंग कंट्री है, ठीक है? तो ये दोनों में डिफरेंस है, तो आपको ये देखना है कि उसका स्कोप, हाउ इंडिया इज गोइंग टू बेनिफिट थ्रू योर रिसर्च, इज इट क्लियर मनीषा? क्योंकि फॉरेन का कल्चर बहुत अलग है, ये आप भी जानते हो, और हमारे इंडिया का कल्चर बहुत अलग है, ठीक है? तो आपको ये देखना है कि ये रिसर्च यहाँ पे, वैसे तो मोस्ट ऑफ द रिसर्च ऐसे होती भी है, दिस इज व्हाट यू कॉल जियोग्राफिकल गैप, ठीक है? ज्योग्राफी अलग अलग है, वो फॉरेन है, ये इंडिया है. जैसे इंडिया में भी एक स्टडी चेन्नई में हो गई, एक स्टडी किसी और स्टेट में हो गई, बिल्कुल हो सकती है, अगर वो वर्थवाइल है, आपको लग रहा है. जैसे कि इमोशनल इंटेलिजेंस है, मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, ये कॉमन है, ये अफ्रीका का बंदे के ऊपर भी रिसर्च कर सकते हो आप, ये नीट के प्रिपरेशन वाले लोगों पे भी कर सकते हो आप, ये 12th के लोगों पे भी कर सकते हो आप, ठीक है? जेई के लोगों पे भी कर सकते हो. जैसे हम लोगों ने यहाँ पे अपनी पॉपुलेशन ली, यूजीसी नेट जेआरएफ एस्पिरेंट, सीएसआईआर नेट जेआरएफ एस्पिरेंट भी कर सकते हो, ठीक है? तो हम लोगों ने इस तरीके से गैप आइडेंटिफाई किया. अगर आपको लग रहा है कि इस पे रिसर्च हो सकती है, देन गो फॉर इट, आप बिल्कुल कर सकते हैं. और लिटरेचर्स पढ़िए आप, सो दैट यू कैन नो व्हाट मेथड्स इज बीन इनकॉर्पोरेटेड, व्हाट एनालिसिस इज बीन डन बाय द रिसर्चर्स, सो यू विल गेट एन आइडिया एंड यू कैन प्रोसीड विद योर रिसर्च, राइट? ओके सर, वन मोर थिंग सर. हाँ जी.
सर जैसे आपने बताया था कि टी टेस्ट जो उसकी कंडीशन होती है कि वो सैम्पल साइज 30 से कम होना चाहिए, लेकिन मैंने बहुत सारे ऐसे पढ़े हैं रिसर्च पेपर्स जिनमें जो सैम्पल साइज है वो ज्यादा है लेकिन फिर भी दे हैव अप्लाई टी टेस्ट, तो यस, सर ऐसा क्यों? क्योंकि उनका आप 30 से ऊपर भी, अगर आपका जो सैंपल साइज है अगर वो 30 से ऊपर है, पर अगर पॉपुलेशन का स्टैंडर्ड डेविएशन और वेरिएंस नहीं पता, ध्यान से सुनिएगा, तब भी टी टेस्ट अप्लाई कर सकते हो आप। आर यू गेटिंग माई ओके, पॉइंट? तो इनकी कंडीशन में और आएगा, मतलब दोनों सेटिस्फाई नहीं होने जरूरी। यस, आपका एक कॉमन चीज ये है कि अगर मेन द फर्स्ट कंडीशन दैट यू हैव टू फुलफिल इज दैट द पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन एंड वेरिएंस शुड बी अननोन। अगर वो अननोन है, सैंपल साइज लेस देन 30 है, मोर देन 30 है, वैसे लेस देन 30 कंडीशन है, बट इफ इट इज मोर देन 30 देन आल्सो यू कैन अप्लाई, बट द फर्स्ट कंडीशन दैट इज पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन एंड वेरिएंस इज अननोन, इट शुड बी फुलफिल्ड। राइट मनीषा? यस सर। है ना? हाँ जी, एंड सर कुछ रिसर्च पेपर्स में ऐसे होता है कि जैसे कॉमन मेथड बायस लिखा होता है कि आप इसको इम्प्रूव कर सके करके फर्दर रिसर्च कर सकते हैं, हमने ऐसा किया है, तो सर कॉमन मेथड बायस होता क्या है? कॉमन मेथड बायस मतलब ये उन्होंने बोला है कि जो कॉमन मतलब जो मेथड उन्होंने अप्लाई किया है ना, उसमें देयर इज चांसेस ऑफ बायसनेस। ठीक है, जैसे कि कोई भी हो सकता है, उन्होंने कोई भी सैम्पलिंग टेक्निक अप्लाई हो दैट कुड बी नॉन प्रोबेबिलिटी। ठीक है, तो उन्होंने ये चीज बोली है कि इसमें बायसनेस आ सकती, यू कैन यूज मतलब कुल मिलाकर के दे वांट टू से दिस दैट यू वांट टू, इफ यू वांट यू कैन चेंज दी मेथड एंड यू कैन यूज एनी अदर मेथड एंड यू कैन अप्लाई टू दिस रिसर्च। ये मोटा मोटी उसका जो है आंसर निकलता है स्टेटमेंट का। इज ओके इट सर, गॉट क्लियर? इट, थैंक यू सर। हाँ जी, यस हाँ जी। और एनीथिंग एल्स आपको पूछना है? दिस इज अ डाउट क्लियरिंग क्लास एंड फीडबैक क्लास ऑल्सो। फीडबैक के लिए नवदीप मैम अभी आएंगे, तो आप बने रहिए। और कोई डाउट है, डाउट तो आपके आने ही चाहिए, बिकॉज आप लोग अभी इनिशियल स्टेज पे हो, अभी आप लोग अपनी फर्स्ट सीडी में हो, अभी आपको रिसर्च पेपर पूरा लिखना है। तो इफ यू हैव एनी काइंड ऑफ डाउट और यू वॉन्ट टू शेयर एनीथिंग, यू कैन शेयर हियर, है ना? इसके बाद फिर अब वर्कशॉप के जो पार्टिसिपेंट्स हैं उनके लिए कोई भी हम क्लास नहीं रखेंगे। दिस विल बी योर लास्ट क्लास। और ये मैंने इसलिए रखी जिससे जो आपके डाउट्स जो अनआंसर्ड रह गए थे कल, वो आंसर हो जाए। ठीक है, सर, इसके हम दो अलावा तीन एरियाज को मिक्स करके रिसर्च कर सकते हैं, टॉपिक ले हाँ, सकते हैं एक। इंटरडिसिप्लिनरी है ना, इंटरडिसिप्लिनरी आप ले सकते हो, बिल्कुल ले सकते हो आप। यू कैन यूज अकाउंटिंग प्लस इकोनॉमिक्स ऑल्सो। इज इट क्लियर? तो आप इंटरडिसिप्लिनरी रिसर्च भी कर सकते हैं इफ यू वांट, है ओके सर, ना? और होती भी है इंटरडिसिप्लिनरी। ठीक है, बाकी मैं एक चीज आप सभी लोगों को बोलना चाहता हूँ, इट्स अ यू नो काइंड एडवाइस टू यू पीपल दैट वेदर यू आर नेट जेआरएफ क्वालिफाइड और नॉट, गेट योर सेल्फ एनरोल्ड इन पीएचडी। अपने आप को आप सर्च करिए। आप वैसे हमारी जो YouTube चैनल है वहाँ पे आपको गाइडेंस मिलती रहती है कि कहाँ कहाँ PhD एडमिशन नोटिफिकेशन आए हैं, हमारी वेबसाइट पे पता चलता रहता है। सो डोंट वेस्ट टाइम बिकॉज इट इज अ लॉन्ग प्रोसेस, ये कोई आपकी साल दो साल की प्रोसेस नहीं है। ठीक है, आपको लग रहा है कि जो भी आपकी ठीक ड्रीम सर। यूनिवर्सिटी है, आपकी जो भी ड्रीम यूनिवर्सिटी है, ठीक है, जैसे कि मैं काफी हद तक जो है वेट कर रहा था, जैसे कि मैंने ये सोचा था, जो माई जो परसेप्शन था दैट इज मुझे टॉप 3 यूनिवर्सिटीज ऑफ एमपी में अपने आप को एनरोल करना है। सो उसमें एक DAVV इंदौर थी, जिवाजी यूनिवर्सिटी थी और RGPV थी। RGPV इज फॉर इंजीनियरिंग, ठीक है, राजीव गांधी ये इंजीनियरिंग के लिए थी। तो DAVV की आई नहीं थी तब तक, नोटिफिकेशन अभी आया कुछ टाइम पहले, उससे पहले जिवाजी का आया। तो आई आई गॉट एनरोल्ड इन दैट यू नो PhD प्रोग्राम ऑफ जिवाजी। सो डोंट वेट, देखिए मेरा कोर्स वर्क कंप्लीट हो गया, 6 मंथ का जो ड्यूरेशन है वो मेरा निकल चुका है। नाउ आई एम गोइंग टू हैव माई एग्जामिनेशन इन फ्यू मंथ्स, तो टाइम मेरा सेव हो गया ना। इसी बीच मेरा 19th ऑफ फेब को JRF हो गया। ठीक है, आई एम एलिजिबल फॉर फाइनेंशियल असिस्टेंस एज वेल। तो देखिए सब कुछ सिंक्रोनाइज होने लगता है। सो डोंट वेट, आपको लग रहा है कि ये यूनिवर्सिटी अच्छी है, इट इज एक्सेसिबल। अब कभी मुझसे कुछ टाइम पहले ये भी कोई पूछ रहा था कि सर मैं दूसरी यूनिवर्सिटी से कर सकती हूँ, बाहर जा सकती हूँ, तो ये डिपेंड करता है आपकी फैमिली के ऊपर, वेदर ही और शी इज अलाउंग यू टू गो टू परस्यू योर PhD इन सम अदर स्टेट और सम अदर सिटी और नॉट। बाकी आपको हर एक चीज देखनी पड़ेगी। ऐसा हाल ना हो आपका कि आप 2 महीने बाद या 5 महीने बाद या 1 साल बाद सोच रहे हो कि यार मैंने इस यूनिवर्सिटी में PhD क्यों। तो जो भी आपको एनालिसिस करना है, जो भी दिमाग लगाना है, वो आप शुरुआत में ही लगा दो।
और एक दृढ़ निश्चय के साथ एडमिशन लो और पीएचडी हासिल करके ही निकलो वहां से। इसके लिए आपके सुपरवाइजर का भी बहुत बड़ा रोल होता है, ठीक है, कि सुपरवाइजर आपके सुपरवाइज करे, एंड इट इज नॉट इन योर हैंड्स, ये आपके हाथ में नहीं। इसीलिए यही तो इसीलिए ये सब चीजों को ध्यान में रख करके ही मैंने अपना जो ये चैनल है सक्सेस क्लासेस का ये क्रिएट किया था, क्योंकि स्टूडेंट्स आर नॉट गेटिंग एडवाइजेस बिकॉज जो कहीं कहीं जो गाइड्स हैं दे आर नॉट कोऑपरेटिव, दे आर नॉट गिविंग गाइडेंस, और बच्चे चाहते हैं कि उनको गाइडेंस मिले, तो देर शुड बी समवन, देर शुड बी सम इंफॉर्मेटिव चैनल, एंड सो इज रिसर्च एंड पीएचडी गाइड सक्सेस क्लासेस। ठीक है, तो आपको बस यही करना है कि आप अपना काम अच्छे से करिए, रिसर्च पेपर लिखना स्टार्ट कर लीजिए साइमल्टेनियसली, ठीक है, रिसर्च की नॉलेज आप लीजिए साथ साथ में, और अपने पीएचडी पे फोकस करिए, बिकॉज पीएचडी में अगर आप पीएचडी में आपका हो जाएगा ना, आपके गाइड तुरंत आपको बोलेंगे स्टार्ट राइटिंग रिसर्च पेपर। और जब आप रिसर्च प्रपोजल के लिए जाते हैं ना, अभी मुझसे पूछा था रिसर्च प्रपोजल से रिलेटेड, तो वहां पे आपसे पूछा जाता है हैव यू पब्लिश्ड एनी रिसर्च पेपर, अगर आप बोलोगे नो, और एक बंदा आपके साथ है वो बोल रहा है यस आई हैव पब्लिश्ड 3 रिसर्च पेपर्स, सो वेटेज किसको ज्यादा मिलेगी, आप खुद बताइए, उसको ज्यादा मिलेगी ना, तो आप बट सर फिर उसके पास टाइम की शिट भी तो ज्यादा हो गया हमसे, जैसे क्या हो गया, हमने अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन की है, हमारे पास इतना टाइम नहीं है, उसके बाद ही हम पीएचडी में एनरोल कर लेते हैं, तो हमारे पास उतना टाइम नहीं होगा कि हम रिसर्च पेपर्स एज कम्पेयर जो दूसरा बनता है उतने हम कर सके पब्लिश, क्या पता उसकी पोस्ट ग्रेजुएशन तो बहुत पहले हो गई हो कितने साल, तो ऐसे फिर कंपैरिजन तो आप हाँ कंपैरिजन तो होता ही है। मैं आपको बताना चाहता हूँ मेरा जो फर्स्ट रिसर्च पेपर था ना, तो मैंने एमकॉम सेकंड सेमेस्टर में पब्लिश कर दिया था, मेरा फर्स्ट पेपर था डिस्क्रिप्टिव पेपर था वो, तब जीएसटी आया था, इम्पैक्ट ऑफ जीएसटी इन इंडियन इकोनॉमी ऐसे कुछ पेपर था मुझे याद है, तो मैंने वो अपने एमकॉम सेकंड सेमेस्टर में 2017 में जहां तक मैंने अपना उसको पब्लिश कर दिया था, क्योंकि मेरे मैंने हेल्प कहाँ से लिया आपने, कुछ मेरे अंदर खुद क्यूरियोसिटी थी कि मुझे जानना है, और साथ ही साथ मेरे जो एचओडी थे वो भी बहुत कोऑपरेटिव थे, इज इट क्लियर, तो मैंने अपने उसमें कर लिया एमकॉम सेकंड सेमेस्टर में। और जब मैं इंटरव्यू के लिए गया, तब तक आप मानोगे नहीं, जब मैं इंटरव्यू के लिए गया मेरे 4 रिसर्च पेपर, जब मैं जिवाजी के इंटरव्यू के लिए गया था तब मेरे 4 रिसर्च पेपर पब्लिश हो चुके, और उन्होंने पूछा रिसर्च पेपर के बारे में, तो मैंने आई एम रेडी टू आंसर, इज इट क्लियर, एक परसेप्शन अलग हो जाता है, ठीक है, तो देर इज नो लिमिट कि आपकी मास्टर्स कंप्लीट होनी चाहिए, बैचलर्स डिग्री में आप करो वो अलग बात है कि आपको उस वक्त किसने गाइड नहीं किया, आपको अवेयरनेस नहीं थी, दैट इज डिफरेंट थिंग, अब टाइम जा चुका है, बट नाउ देर इज टाइम, यू शुड यूटिलाइज इट एंड स्टार्ट राइटिंग रिसर्च पेपर। इस वर्कशॉप का मकसद तभी पूरा होगा जब आप लोग रिसर्च पेपर लिख लो, इज इट क्लियर, तब इस रिसर्च पेपर का जो ऑब्जेक्टिव है वो फुलफिल होगा, जो मैंने आपको बताया है आउटकम, जो मैंने आपको बताया था, ठीक है, सो कीप इट, कीप दिस इन माइंड, और अपना अपने आप को आप पोटेंशियली इस तरीके से बनाओ कि आप अच्छा रिसर्च पेपर लिखो, एंड ये 6 मंथ तक आपके पास इसका एक्सेस रहेगा इस कोर्स का, आपको जब भी दिक्कत आए, यानी पीपीटी भी अपलोड कर दी है, आपको जब भी दिक्कत आए आप वीडियोज ओपन करके इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, वी हैव ईमेल आईडी connectsuccessclasses@gmail.com, ठीक है, आप उसमें भी क्वेरीज मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है, तो उसमें भी आपको मैं जो है रिजॉल्व करता रहूंगा आपकी क्वेरीज जो भी होगी, ठीक है, और कूडोज में भी आप डिस्कशन सेक्शन में जाकर के आप लिख सकते हैं, इज इट क्लियर, तो दिस मच ऑफ हेल्प आई कैन प्रोवाइड यू आफ्टर दिस। सर किसी भी टॉपिक पर रिसर्च लिख सकते हैं ना, किसी भी टॉपिक पे नहीं, टॉपिक पे आप किसी भी टॉपिक पे लिख सकते हो, पर इनिशियल स्टेज पे आपको सब्जेक्ट स्पेसिफिक होना चाहिए, जैसे आप कॉमर्स के हो तो कॉमर्स से रिलेटेड टॉपिक के बारे में लिखो ना आप, ठीक है, तो थोड़ा सा इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट है तो आप इकोनॉमिक्स से रिलेटेड आप जो भी आते हैं उसके अंदर टॉपिक्स, जो भी यू नो सब्जेक्ट्स आते हैं, जो भी आप पढ़ते हो इकोनॉमिक्स में वैरायटी पढ़ते हो, पहले उन पे फोकस करिए, ठीक है, फिर आपके पास जब बहुत सारे पेपर हो जाए फिर आप जनरल टॉपिक आप ले सकते हो, आप पॉपुलेशन ले सकते हो, आप टीचिंग से रिलेटेड ले सकते हो, आप कम्युनिकेशन से रिलेटेड ले सकते हो, तब आप थोड़ा जनरल सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे आप जा सकते हो, तब आप जनरल पे जाइए, बट इनिशियल स्टेज पे यू शुड फोकस ऑन योर सब्जेक्ट स्पेसिफिक टॉपिक्स, बिकॉज उसका वेटेज होगा, राइट, है ना, और जो आपका ये रिसर्च प्रपोजल की जो वर्कशॉप है ये भी बहुत जल्द मैं कर दूंगा, जिससे आप लोगों को जो है हेल्प मिले, जितना आपको हेल्प मिलनी चाहिए, और जिससे आप इफेक्टिव रिसर्च प्रपोजल लिख सको, राइट, एनीथिंग एल्स यू वॉन्ट टू आस्क, आप पूछ सकते हैं, फिर आपका फीडबैक सेशन
स्टार्ट होगा। सर एक रिसर्च पेपर में कितने पेजेस की लिमिट होती है क्या कुछ? कितने नहीं, पेजेस जैसे हम लोग डिसर्टेशन पढ़ रहे मतलब किए थे ना एमकॉम बीकॉम में, वहां पर तो बहुत ज्यादा पेजेस थे, तो रिसर्च पेपर में कितने पेजेस होने चाहिए? देखिए रिसर्च पेपर का ऐसा कुछ क्राइटेरिया नहीं है कि आपका इतना होना चाहिए, इतने पेजेस होने चाहिए, बस आपको ये फोकस करना है कि जो जो पॉइंट्स रिक्वायर्ड है एक इफेक्टिव रिसर्च पेपर के लिए वो सारे कवर होने चाहिए। ठीक है, देयर इज नो स्पेसिफिक लिमिट कि 10 होने चाहिए कि 2 होने चाहिए, जो पॉइंट्स हैं अगर वो आप कवर कर रहे हो और एक इफेक्टिव रिसर्च ऑफ सोसाइटी को कॉन्ट्रीब्यूट कर रहे हो तो आपका सक्सेसफुल है वो रिसर्च। ठीक है, ओके ओके। हाँ जी मैम, हेलो मैम, गुड आफ्टरनून मैम, गुड आफ्टरनून मैम, स्पेशल अपीयरेंस मारी है। सो और कैसा चल रहा है? मैं जस्ट थोड़ा सा 5 मिनट लूंगी आपका, फिर आप डाउट अपने कंटिन्यू कर सकते हो। ठीक है जी, ओके। सो फ्रेंड्स एक्चुअली ये वर्कशॉप आपको कैसी लगी? मतलब वाकई में फ्रूटफुल है, जैसा एक लिमिटेड अमाउंट में हमने कोशिश करी कि आप लोग, मैंने और गौरव ने, कि आपको एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिले जिधर रिसर्च पेपर लिखना आपको सिखा दिया जाए, जो कि आपको शायद पहले अच्छे से क्लैरिटी ना हो। तो क्या वाकई में उतना बेनिफिट मिला? अभी गौरव ऑफलाइन हो चुके हैं, ठीक है, आप मुझे सही फीडबैक दीजिए प्लीज। यस, आप मैम जितना पे किए थे ना पूरा वर्थ इट है। हम लोग ने पहले जैसे थियोरेटिकल पोर्शन किए थे, तो अभी सर ने पूरा मतलब वो एक्सप्लेन करके बहुत मतलब अभी बहुत ज्यादा इंटरेस्ट फील हो रहे है। मतलब बहुत अच्छा लग रहा है लिखने में, क्लियर हो गया जी। हाँ जी, और सर ने भी पूरा मतलब बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया, पूरा टाइम लेके पूरा एक्सप्लेन किया, ऐसा नहीं बहुत जल्दबाजी में किया, टाइम लिमिट इतना देखा नहीं, अच्छा किया। ग्रेट रजनी, एक बार आप माइक में कह दे तो पता चल जाएगा हमें क्लियरली आपके एक्सप्रेशंस, है ना? हाँ जी, अब कह रहे हो कुछ पता नहीं था मैम, अब काफी कुछ पता चल गया है, नाइस। सो अब आपको क्या लगता है कि आप वाकई में काम करना शुरू कर दिया है और आप लिख पाओगे? जी यस मैम, मैम हमें टेस्ट की प्रैक्टिकल एप्लीकेशन पता चली है अब। हाँ जी जी, सोनाली कुछ कहना चाहते हो? अच्छा चलो ठीक है, आई होप कि आपको काफी बेनिफिट मिला है। अच्छा, और उसके अलावा आपको टेस्ट लगाने आ गए हैं कि आपने अपना काम वाकई में शुरू कर दिया है रिसर्च पेपर लिखना, टॉपिक का क्लैरिटी एंड ऑल? मैम टॉपिक्स ढूंढ रहे हैं, कुछ कुछ मिला, मतलब फाइनल लिटरेचर रिव्यूज वगैरह। हां मैम, बिट सिस्टमैटिक वे पता चल गया है कि कैसे क्या प्रोसीजर रहेगा, पहले इसमें थोड़ा कंफ्यूजन थी तो वो चीज बहुत क्लियर हो चुकी है अब। बाकी जब हम लिखेंगे तो मतलब जो भी किसी आएंगे वो सर से कंसर्न करेंगे। हाँ ठीक है, कौन सा सॉफ्टवेयर किस चीज के लिए यूज होगा वो भी एक्चुअली पता चल गया आपको, है ना? और सॉफ्टवेयर भी इसके लिए एक्सेसिबल बताए हैं उन्होंने, आई थिंक कि जो आप यूज कर सकते हैं। हाँ, उन्होंने ओपन करके दिखाया अपना आईडी से, तो पहले ये ऐसा ऐसा है, बट उन्होंने ओपन करके पूरा दिखा दिया अभी, मतलब अच्छा लगा, थोड़ा फैमिलियरिटी मिला। तो ये रिसर्च पेपर लिखने की थी और आई थिंक आपको अब लिख सकते हो और पब्लिश करवा सकते हो और अपना एपीआई स्कोर इंक्रीज कर सकते हो UGC NET JRF के लिए, है ना? Yes, ma'am, we can try. जी, और अब इसके बाद सोच रहे हैं कि रिसर्च प्रपोजल PhD के एंट्रेंस के लिए कैसे करें, वो क्या आपको फीडबैक अच्छा है कि गौरव सोइन आगे कर सकते हो कंडक्ट? बिल्कुल मैम, डेफिनेटली कर सकते हैं मैम। बहुत मतलब 2 साल पहले ये चैनल स्टार्ट किया था हमने रिसर्च PhD, तो गौरव सोइन क्योंकि पहले ऑलरेडी PhD कर रहे थे और रिसर्च पेपर्स लिख चुके थे, अब उनका JRF भी हो चुका है तो और वो आ गया है ट्रस्टवर्दीनेस की, हाँ हम सही पर्सन से सीख रहे हैं, है ना? सो इसलिए मतलब इतनी मेहनत है, इतना टाइम टू टाइम इन्होंने किया है, तो उसके बाद अब इस लायक पहुंचे हैं हम कि लर्नर्स को एक सही प्लेटफॉर्म मिल गया है कि जहाँ से वो एक्चुअली रिसर्च पेपर लिख सकते हैं और रिसर्च प्रपोजल लिख सकते हैं। क्योंकि मेरा मकसद ये था NTA UGC NET JRF की तैयारी मैं करा रही हूँ, उसके आगे की जर्नी बच्चों की छूट जा रही है,
वो भी पूरी करानी है, ठीक है, क्योंकि प्रोफेसर बनाना है ओनली नेट जे रखने का घर में बैठ के भी कोई फायदा नहीं है, राइट? यस मैम। सो आई होप यू ऑल आर फुल्ली सेटिस्फाइड, एनीथिंग यू वांट टू से तो आप लास्ट में मुझे कह सकते हैं। मैम अगर हमें रिसर्च पेपर लिखते टाइम अगर कुछ डाउट आता है या कुछ समझ में नहीं आता है तो हम कैसे कनेक्ट कर सकते हैं मैम? सो कनेक्ट सक्सेस क्लासेस वाली ईमेल आईडी है, पता ही होगा आपको, उसमें आप गौरव को मैसेज कीजिए तो हो सकता है ही विल रिप्लाई, ठीक है? अभी उन्होंने जैसे डाउट सेशन यहाँ पे कंडक्ट किया ही है जी। ओके और गौरव आप हो यहाँ पर? यस मैम, यस मैम। आ जाओ फिर। सो ऐसा हो सकता है क्या कि जो इनका डिस्कशन फोरम है वो आप थोड़ा सा एक हफ्ते में एक बार देख लिया, अगर वाकई में इनको कोई दिक्कत है तो उसमें रिप्लाई कर दिया अपना कुडोज लर्निंग के अंदर ही? यस मैम बिल्कुल, मैंने बोला अभी कि डिस्कशन में भी आप लिख सकते हैं और वो ईमेल आईडी मैंने भी उनको बताई connectsuccessclasses@gmail.com, आप वहां पे मेल कर दीजिए। जैसे कुछ आपको कोई डॉक्यूमेंट सेंड करना है ना, कुछ अटैच करना है तो आप वहां पे अटैच करके या फिर आप कुछ पूछना चाहते हो तो वहां पूछ सकते हो, डिस्कशन में भी आप लिख सकते हैं। है वैसे डॉक्यूमेंट अटैच करने का, लेकिन हां वो बस ये होता सबको दिख जाएगा तो अगर इनको ईमेल करना है तो वो कर सकते हैं, ठीक है जी। और 6 महीने तक मैम एक्सेस है आई थिंक इनको, तो ये 6 महीने तक देख भी सकते हैं वीडियोस अगर इनको कोई दिक्कत आती है तो जी, ठीक है। तो ये 6 महीने तक आपको वैसे भी रिसर्च पेपर एक बार ही लिख लिया तो बाद में आपको आ ही जाएगा कि हम मुझे पता है ये करना है, ठीक है। बाकी फिर भी आप जितनी मर्जी बारी देखो, 6 महीने का एक्सेस आपको इसी वीडियोस का है। हाँ जी, ठीक है जी। ओके ओके मैम, थैंक यू। ओके थैंक यू सो मच एंड आई होप कि ये काफी अच्छा वर्क कर रहे हैं गौरव, और आगे बढ़ते रहे ऐसे ही, हमने अपनी कम्युनिटी जो है बढ़ाते रहे। काफी अच्छी एनरोलमेंट आई थी इस बार, 100+ एनरोलमेंट, उससे ज्यादा ही आई थी, ठीक है। सो हमने सीट को कोशिश किया था कि 80 तक जाए, बट जबरदस्ती हो ही गई थी खींच खींच के आगे। सो अगली बार भी लिमिटेड सीट के साथ लॉन्च करेंगे और उसमें भी सक्सेस आगे जाएगी, धीरे धीरे रीच बढ़ेगी, ठीक है जी। अभी भी मैम कोई परचेज करना चाहता है तो वो परचेज कर सकता है ना, तो अगर आपके कोई फ्रेंड्स है ऐसे कुछ है अगर वो जानना चाहते हैं तो वो भी अभी भी ओपन है ये कोर्स, तो वो कोर्स ले सकते हैं अगर उनको रिसर्च पेपर राइटिंग के बारे में जानना है तो कोर्स इज लाइव नाउ, रिकॉर्डेड इसकी अवेलेबल ही है, इसी को भी परचेज कर सकते हैं क्योंकि इसके बाद अब लाइव वाला तो हम प्रपोजल पे काम करेंगे। और मेरे पास एक आइडिया था कि इंटरव्यू कैसे दें पीएचडी का, ये भी आप बनाइएगा क्योंकि आप ऑलरेडी काफी 2 जगह पीएचडी आप एनरोल हो चुके हैं। यस मैम, हाँ। और बहुत लोग मैं मेरे कॉन्टेक्ट में भी हैं जिनसे मैं पूछता रहता हूँ तो उनका भी एक्सपीरियंस मेरे से शेयर करते हैं तो काफी कुछ पता चलता है, ये भी रहता है आपका जो सर्कल कैसा है आपका जी। हाँ जी मैम, ऑल्सो वाना थैंक यू एज विद हेल्प स्पेशल फ्री क्लासेस आई क्लियर जेआरएफ इन दिसंबर 2020, वेरी गुड जी, क्या बात है। मनीषा शर्मा जेआरएफ भी हो चुका आपका, चलो ठीक है, थैंक यू सो मच, कांग्रेचुलेशंस टू एवरीवन एंड ऑल द बेस्ट, आगे लाइफ में बहुत तरक्कियां कीजिए, आप लोगों की सक्सेस ही मेरा ड्रीम है और गौरव का भी, हम सबका, ठीक है। So dream, act energy. Thank you. Please continue your doubt session. And yes, ma'am. Yes, ma'am. इसके अलावा और कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं, अभी हमारे पास कुछ समय और है, या कुछ और आप गाइडेंस लेना चाहते हैं और फिर उसके बाद अपन, आपके पास कोई भी अगर दिक्कत होती है तो आप कनेक्ट सक्सेस क्लासेस और डिस्कशन में आप लिख सकते हैं, आई एम देयर टू आंसर इट, राइट। बाकी अगर आपका रिसर्च पेपर कहीं पब्लिश हो जाता है, आप मुझसे एक प्रॉमिस करिए, अगर आपका रिसर्च पेपर कहीं भी पब्लिश हो जाता है तो आप मुझे बताएंगे जब, क्योंकि मुझे भी उतनी ही खुशी होगी जितनी आप लोगों को होगी, राइट, ठीक है। या किसी भी जर्नल में या कहीं भी आप अगर पब्लिश करते हैं तो डू टेल मी, राइट। पर आपको फोकस हमेशा ये करना है कि आप एक अच्छा रिसर्च लिखें, अगर आप चाहते हो कि आपका रिसर्च पेपर एक्सेप्टेड हो तो आपको कोशिश करना है कि आप इस पॉइंट ऑफ व्यू से रिसर्च लिखें कि आप सोसाइटी में कुछ अच्छा कॉन्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, तो डेफिनेटली, और साथ ही साथ आपका रिसर्च पेपर एक्सेप्ट होगा और आप अपना एक इम्पॉर्टेंट पार्ट सोसाइटी को कॉन्ट्रीब्यूट कर पाओगे, कुछ इनोवेशन कॉन्ट्रीब्यूट कर पाओगे, राइट। और बाकी कोर्सेज के लिए आप जुड़े रहिए, आपको इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी। कुछ बच्चे मुझे कह रहे थे टेस्ट से रिलेटेड भी कोर्स लेके आइए, क्या वर्थ रहेगा उसका टेस्ट? हाउ टू यूज अनोवा, अनोवा काई स्क्वायर टेस्ट, यस सर, यस सर, यस सर, यस सर, टेस्ट, क्योंकि हम लोग स्टैटिस्टिकली तरीके से बुक्स वगैरह में तो बस पढ़ते हैं, क्वेश्चन दे दिया, पर रिसर्च में उसको अब किस तरीके से यूज करना है,
ना ये भी जानना मुझे ऐसा लगता है बीइंग अ रिसर्चर इट्स इम्पोर्टेंट. तो पहले तो ये प्रपोजल वाला कोर्स आएगा ठीक है, क्योंकि वो बहुत लोगों की डिमांड है और आगे जाकर के बहुत से एडमिशन निकल रहे हैं तो प्रपोजल बनाना आना चाहिए सिलेक्शन के लिए. उसके बाद आई विल फोकस ऑन दिस टेस्ट के लिए मैं एक लिखा, जिससे किस तरीके से हम न्यूमेरिकली क्वांटिटेटिव तरीके से इन टेस्ट को यूज कर सकते हैं अपने रिसर्च पेपर में, इसका डिस्कशन करें. राइट, सो एनी सजेशन यू वांट टू गिव और एल्स वी शुड वाइंड अप द सेशन. कुछ और जानना चाहते हैं आप? और एक चीज और मुझे आप वो करिए कि आप रेट जरूर करिएगा इस कोर्स को ठीक है, जिससे फीडबैक इज वेरी मच इम्पॉर्टेंट, इसलिए फीडबैक सेशन किया जाता है जिससे मुझे भी मेरे एरियाज ऑफ इम्प्रूवमेंट पता चले. सो आफ्टर दिस जूम मीटिंग डू रेट द कोर्स कि आपको क्या लगता है कि क्या रेटिंग आपको देनी चाहिए, और कमेंट भी करिए जिससे मोटिवेशन मिले और हम लोग ऐसे ही अच्छा काम करते रहें और यू नो लर्नर्स और पार्टिसिपेंट्स का वेलफेयर होता रहे. सर पीएचडी इंटरव्यू में मतलब कौन से टॉपिक से ज्यादा पूछते हैं एक रिसर्च मतलब प्रपोजल से, कौन से टॉपिक्स को ज्यादा मतलब पढ़ के जाना पड़ता है? पहले तो आप अपने टॉपिक जो भी आपका टॉपिक है पहले आप उससे फ्रेंडली हो, तो जैसे आप डिविडेंड के ऊपर सब इमोशनल इंटेलिजेंस के ऊपर आप कर रहे हो ठीक है, तो यू शुड नो द कंपोनेंट्स, यू शुड नो ईच एंड एवरी थिंग ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस इन थ्योरेटिकल वे. पहली चीज तो वो सब्जेक्ट से रिलेटेड आपसे पूछेंगे, दूसरी चीज रिसर्च एप्टीट्यूड की नॉलेज आपके पास अच्छी होनी चाहिए. जो अपन रिसर्च एप्टीट्यूड नेट जेआरएफ में पढ़ते हैं, रिसर्च मेथोडोलॉजी अपन पीएचडी यू नो एंट्रेंस एग्जाम के लिए तैयारी करते हैं ना, वो भी वो पूछते हैं कि व्हाट डू यू मीन बाय एक्सपेरिमेंटल रिसर्च, व्हाट डू मीन बाय एक्सट्रोनस वेरिएबल, इसके बारे में बताइए, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रिलायबिलिटी एंड वैलिडिटी ठीक है, व्हाट आर द फैक्टर्स दैट अफेक्ट वैलिडिटी, ये सब बेसिक्स भी वो पूछते हैं. तो पहला आपका सब्जेक्ट पूछते हैं, दूसरा वो रिसर्च का थ्योरेटिकल एस्पेक्ट पूछते हैं, और आपके रिसर्च प्रपोजल के बारे में भी पूछते हैं ठीक है, कि आप जो रिसर्च प्रपोजल लेके गए हो इंटरव्यू में ठीक है, उसका आपने कहाँ से लिटरेचर किया, या आपने लिटरेचर अगर किया है तो समराइज करिए आप, है ना. तो इन दो तीन चीजों पर आपको फोकस करना चाहिए, योर सब्जेक्ट, रिसर्च एप्टीट्यूड एंड योर प्रपोजल. राइट, चलिए, सो वी शुड आई थिंक वी शुड वाइंड अप दिस सेशन, एंड इट इज नाइस मीटिंग यू ऑल. और अगर आपके पास डाउट्स हैं तो आप, मैंने बता दिया आपको कहाँ करना है मैसेज एंड मेल, और ऐसे ही वर्कशॉप्स में लाता रहूंगा. चलिए, थैंक यू सो मच, हैव अ वेरी नाइस डे अहेड, और मिलते हैं नेक्स्ट वर्कशॉप में बहुत ही जल्द. ओके पब्लिश होता है आप मुझे बताएंगे जब ठीक है, और कोई प्रॉब्लम है तो मुझसे पूछ लीजिएगा आप. ओके ओके, बाय बाय, हैव अ नाइस डे.